हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वे टू गिव ऑडिशंस इन मुंबई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हमें ऑडिशंस कहाँ देने हैं मुंबई में। लाखों लोग मुंबई से भी आते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि जाना किधर है। जी हाँ, आप आ तो गए लेकिन आपको मालूम ही नहीं आपकी मंजिल किधर है, तो सोचिए कैसा लगेगा। जब मैं 2014 में पहली बार मुंबई आया तो मुझे ये नहीं मालूम था कि जाना किधर है। मैं वेबसाइट्स पे चेक करता था कि हाँ भाई यहाँ ऑडिशन है, पहुँच जाता था। यहाँ ऑडिशन है, यहाँ पहुँच जाता था। दोस्तों ने बोला अरे ये फलाना फलाना है, उसके यहाँ चले जाओ, उससे मिल जाना। हाँ, वो भी किया। जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 500 रुपीज़ आपको जमा करिए मेरी एजेंसी में तो आपको पक्का काम मिलेगा। वो भी किया मैंने, उधर काम नहीं बना। तो दूसरे ऑडिशन गए, अरे आप 5,000 कीजिए और मैं आपको 100% आपको काम दिला के रहूँगा। 5,000 भी दे दिया क्योंकि भाई काम चाहिए। 5,000 रुपये में आपको अगर स्टार बना रहा है वो, तो क्या बात, तो इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं। वो भी दे दिया 5,000। तब भी उनका एक भी कॉल नहीं। आप फ़ोन करते रहते हो, ऑडिशन है क्या, ये है क्या, क्या बात हुई। वो कहेंगे हाँ अभी मेरी बात चल रही है, मेरा ये चल रहा, फलाने ढिमकाना, बस वही चलता रहता है। फिर आप कुछ और जगह जाओगे, कोई 2,000 मांगेगा। तो ऐसे बहुत सारे फेक ऑडिशंस होते हैं। जी हाँ, फेक ऑडिशंस, ये बात गलत नहीं है, लेकिन फेक ऑडिशंस मतलब कि आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ऐसा कोई कास्टिंग काउच ये सब चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे मतलब आपका पैसा लॉस होगा, आपका टाइम लॉस होगा। जी हाँ, लेकिन अगर आप सही जगह पहुँच रहे तो वहाँ 2 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं। पहुँचना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा एक्सपीरियंस में मैंने बहुत गलतियां करी, लेकिन वो गलतियां कहीं ना कहीं गुड एक्सपीरियंस हुआ। आज मुझे पता है, 7 साल बाद मुझे मालूम है कि ये जगह पे ही ऑडिशंस होते हैं और ये जेन्युइन होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा वीडियो बनाऊं कि जो सबको बेनिफिट्स दे। लोग आता है लेकिन घूमता रहता है और वो अपना पहला 6 महीना बस इसी में निकाल देता है कि ऑडिशंस कहाँ दिए जाते हैं। और 6 महीना मुंबई में घर से दूर रह के बहुत ही टफ है, क्योंकि आप कोई जॉब करने नहीं आ रहे हो जिससे आपकी कमाई हो, आप ऑडिशंस देके एक एक्टर बनने आ रहे हो। और एक्टर बनने के लिए आपको बहुत चीज़ें सर्वाइव करना पड़ता है, एवरी पेनी काउंट्स। ये तो बात मानते हैं ना कि आप जब घर से दूर रहते तो एवरी पेनी काउंट्स। और वो चीज़ें मैंने फेस की, तो आज मैंने सोचा कि मैं ज़रूर ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि गिविंग ऑडिशंस इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टारडम, राइट। सो ऑडिशंस कहाँ दिए जाते हैं, जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे ना, बड़े बड़े नाम आएंगे, यशराज बैनर्स, धर्मा प्रोडक्शंस, जी टेलीफिल्म्स, बालाजी, लेकिन वो ऑडिशंस नहीं लेते, राइट। वो ऑडिशंस नहीं रहते, वो अपने लोगों को, जैसे मतलब कास्टिंग है, वो अपने थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, आप करके दो एंड वील सेलेक्ट अमंग देम, सिंपल। तो वो कहाँ देना होता है, तो मुंबई में मैक्सिमम 90% ऑडिशंस होते हैं, 10% क्योंकि आजकल चंडीगढ़ में भी हो रहे हैं, लखनऊ में भी हो रहे हैं, भोपाल में भी हो रहे हैं, दिल्ली में भी हो रहा है, तो वो 10%, लेकिन अभी भी 90% मुंबई में होते हैं। सो ऑडिशंस अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको देना कहाँ है, तो 2 बहुत कॉमन जगह है, वर्सोवा में। वर्सोवा आपका अंधेरी वेस्ट में पड़ता है, वहाँ पे बहुत कॉमनली ऑडिशंस होते हैं। तो देयर आर लेन्स वहाँ पे, मान के चलिए दिन में आपके 15 से 20 ऑडिशन एक लेन में होता है, तो करीबन 40-50 ऑडिशंस होते ही रहते हैं रोज के। तो वो ऑडिशंस, पहले वर्सोवा आपको जाना है। वर्सोवा में एक होता आरम नगर, ARAM नगर, करेक्ट, आरम नगर। मैं ये सब चीज़ें अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा एड्रेस के साथ, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो वो भी ढूंढने की, ठीक है। तो आरम नगर में Part 1 और Part 2 है, Part 1 और Part 2, आरम नगर Part 1, जैसे अपना Phase 1 हम पकड़ लें, और आरम नगर Phase 2, दोनों बगल बगल में। तो वहाँ पे आपको कास्टिंग बे मिलता है, वहाँ पे मुकेश छाबड़ा का ऑफिस है, नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर किया है, जिन्होंने
ये बजरंगी भाईजान किया है, सलमान की मूवीज़ करते हैं, अपना अनुराग कश्यप की मूवीज़ को वो सबसे ज़्यादा, तो ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर इन इंडिया, उनसे बड़ा अभी तक नहीं है। तो वो भी आनंद नगर पार्ट टू में है। सुनील शेट्टी का FTC भी वहीं पे है, और आपका कास्टिंग बे हो गया या ई रोल हो गया, तो ये सब लोग वहीं पे मिलेंगे। तो श्रुति महाजन का भी ऑफिस आरम नगर पार्ट टू में। श्रुति महाजन ने आपका बड़ी बड़ी फिल्म्स के वो डायरेक्टर है, मतलब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर है, तो उनका भी ऑफिस वहीं पे है। तो आपको अगर पहले जाना है तो आरम नगर पार्ट वन और पार्ट टू में आपको ऑडिशन मिलने ही मिलने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी दिन खाली जाए। दूसरा है वर्सोवा में आपका महाड़ा। तो महाड़ा में मोस्टली आपको ज़्यादातर टीवी एड्स के मिलेंगे, दक्ष स्टूडियो हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, वो लेन है, तीन चार लेन है, और तीन चार लेन में भी 40-50 ऑडिशंस होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो वर्सोवा आप अगर पहुँचते हो तो दो जगह पे आप कम से कम 10-15 ऑडिशन दे सकते हो रोज़ के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरे मुंबई भटको, आप वहाँ पहुँचोगे, वर्सोवा में भी आप आराम से ऑटो से इधर उधर ट्रैवल करके आराम से दे सकते हो। तो महाड़ा और दूसरा हो गया आरम नगर, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, मतलब मोस्टली आपको हर स्टार मिलेगा या हर स्ट्रगलर, सब वहीं दिखेंगे। रही बात अपना दूसरा आता है रश्मि शर्मा, जी हाँ, तो ये वीरा देसाई, वीर देसाई भी अंधेरी वेस्ट में ही है लेकिन वर्सोवा से थोड़ा दूर। वहाँ पे बहुत सारे कास्टिंग है, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, और क्या करते हैं प्रोडक्शन हाउसेज, मोस्टली अपने ही लेते हैं। तो जैसे रश्मि शर्मा हो गई या शशि सुमित हो गया, तो ये लोग वहीं पे अपना ऑडिशन रहते हैं, तो वहाँ पे सीरियल्स के होते हैं। शशि सुमित बहुत बड़े हैं, वो सीरियल्स के करते हैं, रश्मि शर्मा का भी बहुत ज़्यादा नाम है, वो भी सीरियल के ही करते हैं, जितने भी स्टार प्लस के हो गए, जी के हो गए, ये लोग उन्हीं की कास्टिंग करते हैं। तो आप अगर वीर देसाई पहुँच जाएंगे तो आपको ज़रूर न ज़रूर आपको बड़े प्रोडक्शन हाउस मिलेंगे। तो मतलब आपका जैसे बोला जाएगा कि आप अगर प्रोडक्शन हाउस के अंदर देते हैं तो वहाँ चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको जो एक लेवल होता है, मतलब कि क्राउड है ना, तो क्राउड ज़्यादा जाता नहीं उधर, वह बस एक तरह से आपको लिमिटेड पीपल मिलेंगे, और आप डायरेक्ट नज़र में आते हैं कास्टिंग डायरेक्टर के, हाँ यार ये चीज़ें हैं, मतलब ये बंदा आया था, और क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं है, वो प्रोडक्शन हाउस के अंदर ही है, तो वो बेटर है। तो ट्राई टू ऑलवेज फाइंड सम प्रोडक्शन हाउसेस, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगा, शशि सुमित हो गया या अपना रश्मि शर्मा हो गए, तो ये लोग बहुत ही बड़े, मतलब रेनाउंड है, जितने भी बड़े सीरियल्स होते हैं वो वही कास्ट करते हैं। फिर अगर आपको फिल्म्स का देना है तो फिल्म्स में आपका यशराज बैनर, तो यशराज प्रोडक्शन हाउस है अंधेरी में, ठीक है, अंधेरी वेस्ट में, लेकिन उनका जो ऑडिशंस होता है वो होता है आपका जुहू में। तो उनका कास्टिंग ऑफिस है, वो एक ऐसे इकलौता ऑफिस है जो खुद करता है, तो वो आप वहाँ पे जाओगे, आप जुहू में जाएंगे और उसका एड्रेस मैं दे देता हूँ सेंटा क्रूज में, और आप सेंटा क्रूज में पहुँचेंगे, आप वहाँ पे जाओगे और 30 सेकेंड का ऑडिशन, मतलब सिंपल नेम, एज, प्रोफाइल एज, नेम, एड्रेस और अवेलेबिलिटी और फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर, और एक दो चीज़ें पूछेंगे क्या है हॉबी, वहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको 2 रुपये भी नहीं, 1 रुपये भी नहीं देना, बहुत क्लीन होता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आपको ऑडिशन लिया तो दोबारा बुलाएंगे, अगर उनको पसंद आता है तो आता है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास भी कॉल्स आई हैं, तो इसलिए तो यशराज इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट। फिर आप वहाँ से अगर निकलते हैं, जुहू से निकलते हैं, तो आपके पास फिर बालाजी का आता है, तो बालाजी भी खुद ही अपना ऑडिशंस लेते हैं, लेकिन उनका ऑफिस अपना इधर चकाला में, अंधेरी में, लेकिन थोड़ा दूर है, ठीक है। और आपको अगर और इन सब के बावजूद आपको अगर और भी ऑडिशंस देने हैं, तो वो गोरेगांव में बहुत ज़्यादा कॉमनली दिए जाते हैं। तो गोरेगांव में आप जब भी जाओगे तो मोस्टली एड्स के होते हैं, तो ये आपका जॉनरा है। अगर आपको एड्स देना है तो मोस्टली महाड़ा में मिलेंगे, आरम नगर में मिलेंगे, और आपका गोरेगांव में बहुत ज़्यादा है।
रही बात फिल्मों के, तो आरम नगर में रहते ही क्योंकि कास्टिंग भी हो गया, मुंबई बॉम्बे कास्टिंग हो गया, और आपका अभिषेक बैनर्जी का कास्टिंग हो गया, तो ये लोग लेते हैं नो डाउट। लेकिन आपका मुकेश छाबड़ा नंबर वन फिल्मों के लिए, धर्मा प्रोडक्शन की भी फिल्में करते हैं, और जितने भी मोस्टली वो लोगों का करते हैं, श्रुति महाजन हो गई, उन्होंने आपका पद्मावत और ये सब किया, वो बताए तो वो भी ऑडिशन फिल्मों के लिए होता है। दूसरा आपका नंदिनी श्रीकंठ हो गई, वो वाह प्यार का पंचनामा है, उनका भी ऑडिशन होता है। और यशराज बैनर हो गए, विकी सदाना हो गया, विकी सदाना का अंधेरी में ऑफिस है, जी हाँ। तो ये सब जितने लोग हैं मेन एट कास्टिंग है, उनके ईमेल्स वो प्रोवाइडेड है, आप सीधे आप जाओ। अगर आप श्रुति महाजन के जाते हैं, ईमेल लिखा रहता है shrutimahajan1920@gmail, आप उसमें बस अपना प्रोफाइल मेल कर दें, या शाशि सुमित में जाते हैं तो ये चीज़ ज़रूरी करना है, वो आपको करना है, ईमेल्स हमेशा आपको रखना है उनके, बिना ईमेल्स के कोई काम नहीं। आप कितनी बार जाओगे, हो सकता है आप अपने घर पे और आपको ऑडिशन का कुछ लिंक आया, और या आपने नई पिक्चर बनाई, या आपने पिक्चर खिंचवाई, या आपने कोई शॉर्ट वीडियो बनाया, अपना टैलेंट कैसे शोकेस करोगे, तो उसके लिए यू हैव टू गिव एस यू हैव टू प्रोवाइड योर वीडियोज़ और समथिंग टू देयर एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस इज़ द परफेक्ट, और आज के ट्रेंडिंग है वो, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो हम मैं लॉकडाउन की बात है, मैं लॉकडाउन में मेरे पास जी के आ रहे थे, सोनी लिव का आया, तो मेरा काम पसंद आया, मेरा काम था कि भाई लिंक्स पे काम अपनी फोटोज वर्क लिंक्स है वो सेंड कर देता था एंड रिवर्ट आता, तो इसलिए मैं जितने भी मेरे पास हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, और उसको कॉपी करिए, मोबाइल में व्हाट्सएप में सेव करिए, अगर ईमेल है तो ईमेल में सेव करिए, एंड प्लीज़ सेंड इट रेगुलरली। कॉल ज़रूर आते हैं और एक रुपये देने की ज़रूरत है, और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। हो सकता आप लोग अभी घर पे हो क्योंकि कोविड की वजह से, तो हताश मत हुई, ऐसा कुछ नहीं कि आप वहाँ से बैठ के नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ईमेल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईमेल्स पे आप अपना प्रोफाइल भेजोगे, आप किसी भी कोने में हो आपको कॉल आएगी अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये एक छोटा सा वीडियो बनाया कि आप लोगों को समझ में आए फेक क्या है, ओरिजिनल क्या है। फेक पैसा लेगा, सिंपल बात, ओरिजिनल है वो पैसा देगा, ठीक है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एक्टिंग पे, बॉडी लैंग्वेज पे। जो जिन्होंने मेरा वीडियो पिछला नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखें, हाउ टू बिकम एन एक्टर, उसमें आपको पता चलेगा कि टूल्स ऑफ एक्टिंग, दूसरा आपका वॉइस टूल्स ऑफ, उसमें वॉइस आता है, बॉडी आती है, प्रॉप्स आते हैं एंड इमोशंस, और दूसरा इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है, और हम लोगों को मेथड ऑफ एक्टिंग। तो ये मैंने एक ब्रीफली समझाया था, अब इस पर इलेबरेट करूँगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। जी हाँ, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने सपनों को पूरा करें जैसे मैं पूरा कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, नमस्कार।